हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड वेलकम टू माय चैनल स्प्रेड माय गाइड। फ्रेंड्स, बॉर्डर मेकिंग वीडियो की पार्ट 4 में और 3 नए स्टिचेस दिखाने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेड स्टिच में पहला स्टिच लेते टाइम थ्रेड को ऐसे या फिर चेन स्टिच की तरह भी घुमा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना एक 8 जैसे बने। और यहाँ पे गैप है, उसमें से नेडल डाल के फिर नेक्स्ट स्टिच बनाना है। देखिए, देखिए जितना स्टिच पड़ेगा उतना दो साइड में 8 बनते वक्त एक ट्रायंगल बनते जा रहा है, और उसी ट्रायंगल के बीच की गैप में से ही नीडल को डालते हुए ये स्टिच कंटिन्यू करना है। इसे हंगेरियन ब्रेड चेन स्टिच बोलते हैं। चेन स्टिच का ये एक ब्रेडेड फॉर्म है, और ब्रेड मतलब हम सब जानते हैं एक चोटी जैसे बनना। मेरी प्रीवियस रेस्ड फॉर्म की वीडियोस में दिखाई थी कैसे रेस्ड फॉर्म किसी भी स्टिच के अंदर एक हेवी लुक डालता है, बिल्कुल वैसे ही चेन स्टिच के अंदर उसकी ब्रेड फॉर्म एक हेवी लुक डालता है। और ये स्टिच एक्चुअली हंगेरियन नाम से क्यों आते हैं, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ कुछ स्टिच ब्राज़ीलियन, रोमानियन, कश्मीरी ऐसे नाम से पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टिच को अगर आप फॉलो किए हैं तो देखेंगे पूरा स्टिच हम ऊपर से लेते हुए नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहे थे, ताकि थोड़ा इजी रहे स्टिच लेना। तो हंगेरियन ब्रेड चेन स्टिच का कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए अगले स्टिच देख लेते हैं। अब जो मैं स्टिच दिखा रही हूँ ये भी एक चेन स्टिच का अलग फॉर्म है, इसे क्रिस्टेड चेन स्टिच कहते हैं। और ये स्टिच बहुत ही सिंपल और इजी है, सिर्फ अच्छे से मेथड फॉलो करेंगे तो खुद ही आप ये स्टिच बना सकते हैं।
यहाँ पे मैं स्टिच ख़त्म कर रही हूँ। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय।